हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। आ जाइए फ्रेंड्स, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है। आज मैं यहाँ पर आपके लिए CDP क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको अधिगम के सिद्धांत बताऊँगी। किसी ने पूछा था कि अधिगम के नियम और सिद्धांत के अलग हैं, तो हाँ बताना चाहती हूँ कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो अलग है और अधिगम के जो नियम हैं वो अलग है। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक साहब ने दिए हैं, वो पहले से प्री डिफाइन है, और अधिगम के सिद्धांत में बहुत सारे लोगों का मतलब सहयोग रहा है। तो आज मैं यहाँ पर आपको अधिगम के सिद्धांत पे फुल डिस्कस में पूरा टॉपिक क्लियर करूँगी। सिद्धांत हैं हमारे काफ़ी बड़े, अलग अलग लोगों ने दिए हैं, तो वो हम अपनी क्लासेस के हिसाब से देखते जाएंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं अधिगम के सिद्धांत की। आई होप सो कि आपको ये क्लास जानकर आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, और एक स्टोरी के रूप में हम सिंपल सिंपल बातों को सीख लेते हैं, जिससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अधिगम के सिद्धांत के बारे में। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, वैल्यूएबल है, बिकॉज प्रश्न बनता है। आप जुड़े हैं शानी का साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो बहुत कुछ आपको हेल्प हो जाएगा, जो यहाँ पर नहीं हो पाता है। टाइम, सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर भी शानी का सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से अवेलेबल है। आइए देखते हैं यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत में क्या है। फ्रेंड्स, अधिगम के सिद्धांत की बातें करते हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। सिद्धांत को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित, प्रतिपादित का मतलब बनाया, ठीक है, संरचना की, उसके प्रतिपादक जनक हैं, उसके निर्माता हैं उसके। बहुत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न विभिन्न सिद्धांतों को अधिगम का बनाया है, ठीक है। जैसे कुछ सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धांत में समान विचार हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें दो मनोवैज्ञानिकों के हित एकदम सेम सेम है, उनका विचार भी सेम है, उनका भी विचार सेम है, दोनों का जो कथन है, कथित चीज़ें वो सेम है, समान है एकदम। लेकिन कुछ में क्या है, विभिन्नता देखने को बड़ी, किसी ने कुछ कहा है तो किसी ने कुछ कहा है, किसी ने उनकी आलोचना की, किसी ने उनकी आलोचना की, तो कुछ ऐसे भी आपको मतभेद देखने को विचारों में मिले हैं मनोवैज्ञानिकों के। समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर अधिगम के सिद्धांत का वर्गीकरण किया गया। जो ये वर्गीकरण हो रहा है सिद्धांत का, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बने हुए, मैं आपको अभी यहाँ पर आपको 3, 4, 5, 6 बताऊँगी, और टेट में पढ़ाई के दौरान आपको और भी देखने को मिलेगा। अब भी उस लाभ्यस में नहीं है और नहीं आता, इसलिए वो नहीं बताएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इतने वर्गीकरण अभी दिखाऊंगी वो बने हैं, वो विभिन्नताओं और समानताओं को खोजते खोजते हमें लगता है कि इतने ज़्यादा बन गए हैं, जो कि 5-6 से ज़्यादा हैं। आगे कह रहा है, आगे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकों में से विभिन्न आधारों पर अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की किताबों को जब पढ़ा गया, देखा गया, तो ये सिद्धांत वहाँ से लिए गए, फिर जाकर एक पुस्तक बनाई गई। तो यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत मतलब मनोवैज्ञानिकों का एक अपना विचार है, जो उन्होंने एक वो कह सकते हैं कि मेन पॉइंट पर, मेन कथन पर, मेन चीज़ों पर अपनी बात को सामने रखा, सिद्धांत और कुछ नहीं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने विचार से जितना उनका था उसे सोच विचार के एक थेसिस को, एक प्रिंसिपल को, एक सिद्धांत को बनाया, जिस पर फिर चर्चा होती है और कार्य भी उसी तरीके से। लेकिन जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया उस पर काफ़ी शोध करके बताया है, काफ़ी आसान भी है, और आप जब देखेंगे तो हाँ वो चीज़ होती है। आइए बात करते हैं, तो मैं पहले आपसे उन सिद्धांतों से मिलवाती हूँ। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। भूल की जगह पर त्रुटि भी लिखा रहेगा तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसके अभी और भी नाम हम बता देंगे। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, चौथा है सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पांचवा है वायुगोष्ठी की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और छठा है जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये 6 सिद्धांत हैं, ये ब्रूनर साहब ने दिया था, ये थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, आपको ध्यान रख क्या रखना है, ये कोहलर साहब का, ये वायुगोष्ठी का है, ये उनका है क्रिस्किनर का है, ये जो है पावलो का है। अब देखिए कैसे है, उसमें तो लिखा नहीं, मान लीजिए ये वायुगोष्ठी का है, ब्रूनर का लिखा है, लेकिन बाकी का तो लिखा नहीं है, तो मैंने बताया कि वो चीज़ें आप जब सिद्धांत पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको भी सिंपल याद हो जाएगी, आसान है, ईजी है। आइए आगे चलते हैं, आपको ऐसे सबके नाम याद हो जाएंगे। जैसे याद करने की अगर बात होती है तो कैसे याद करते हैं, तो वो हम पढ़ते पढ़ते रिविजन करते याद हो जाता है, और हम ऐसे कैसे याद करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ऐसे क्या होता है कि वो थॉर्नडाइक का जो लिखा रहता है
मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला जैसे प्रतिपादक के नाम और सिद्धांत बताए थे, उस तरह के बहुत सारे हैं, उसमें तो कम ही बताए थे, तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही याद करने का तरीका है कि थोंडाई का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको पियाजे का सृजनात्मक सिद्धांत, जो पियाजे के बारे में आपको पढ़ाया, जीन पियाजे याद आ रहा है, चार स्टेज बताई थी, सारी स्टेज में मूर्त अमूर्त सब कुछ बताया था कि नहीं, कुछ याद आ रहा है? पुरानी क्लासेस का रिवीजन करते रहिए, नहीं तो पीछे का भूल जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे ही इन सारे सिद्धांतों के नाम जो प्रतिपादक है वो सिद्धांत का नाम भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स एक बात और, बात क्या है पता है, ये जो सिद्धांत है आप भूलिएगा नहीं नाम, क्योंकि बहुविकल्पी में आता है, कह देगा कि थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, तो आपको सारे सिद्धांत, चारों सिद्धांत को ऑप्शन दे देगा और इसमें से एक सिद्धांत को टिक करना रहेगा, या तो आपको लिखने को आ जाएगा एक नंबर के प्रश्न में कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत के नाम बताइए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किन नामों से जानते हैं तो वो बताइए, तो आपको वो चीज़ वहाँ पर लिखने को आ जाएगी, या तो आपको ये भी ऐसे दे देगा कि स्किनर का सिद्धांत कौन सा है, तो आपको नाम जब पता रहेगा सिद्धांत का तभी तो आप टिक कर पाएंगे। तो इनके जो नेम है वो अभी तो पहले नेम याद करिए, नेम और प्रतिपादक बिल्कुल भी किसी भी सिद्धांत का नहीं भूलिएगा, यही मैं अल्टीमेटली आपको इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनसे बहुविकल्पी प्रश्न लिखने वाले प्रश्न बनते हैं और अखबार आए हुए हैं, और यही नहीं टेट में सीटेट के भी पेपरों में आपको आए हुए हैं, सिर्फ इसी में नहीं आए हुए हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इन सिद्धांतों के पीछे की जो स्टोरी है या जो एग्जांपल है ना, उसके बेसिस पे एग्जांपल वहाँ पर क्वेश्चन में लिखकर दे देता है, टेट में बोलता है कि ये किस सिद्धांत का समय किस इसका इस उदाहरण का संबंध किस सिद्धांत से है, अधिगम के किस सिद्धांत से है, तो आपको ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा, जैसे कोई स्टोरी है, कोई बात है, प्रयास और त्रुटि का है, बार बार प्रैक्टिस करने से कोई एग्जाम्पल ले दिया एक नंबर का, ठीक है, टेट में भी सीटेट में भी आता है, दे देगा उसके बोलेगा कि इस उदाहरण का सिद्धांत संबंध अधिगम के किस सिद्धांत से मेल खाता है, तो आपको उस उदाहरण को देखकर पढ़कर तो सिद्धांत को टिक करना, लेकिन आप कर कैसे पाओगे, जब आप इस चीज़ को अच्छे से सुने रहोगे समझे रहोगे, आपको इन सिद्धांतों पर जब तो कमांड होगा, पकड़ होगी कि हम समझ गए हैं कर ले जाएंगे, तब आप उदाहरण पढ़कर अपने आप ही बता दोगे कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? आइए अब आगे चलते हैं, मैं आपको पहला जो सिद्धांत है वो है, देखिए थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल को कहिए या थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत, इंग्लिश में उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक साहब का है, इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, तो ये ईएल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है, मैं बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक साहब का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीन बार बोलिए आप लोग भी थॉर्नडाइक साहब का, वैसे हमेशा इनको बड़े हैं बहुत सारी बातें साहब बोलती हूँ हमेशा इसीलिए ताकि आपको भी आसानी हो, तो थॉर्नडाइक साहब का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक साहब का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आप दोनों में से कोई भी सिद्धांत के नाम से इनको याद कर सकते हैं। आगे चलें इसी के साथ, आइए एक एक लाइन पढ़ेंगे, जो प्रश्न आएगा कि ये प्रश्न बन जाएगा वो आप नोटिस कर लेना। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने 1898 में प्रतिपादित किया, 1898 में प्रतिपादित किया, ये जो सन है इनका थोड़ा सा कम रोल है, ये मान के चलो कि 45% प्रश्न बनने की उम्मीद है सन से, इस सिद्धांत से। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह पता लगाया कि पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयास और भूल का विशेष महत्व है। इन्होंने जब यह सिद्धांत दिया, सब ने इसको पढ़ा, तब उससे एक बात निकल के ये आई कि जो मनुष्य हैं जैसे कि मैं आप, जो पशु हैं जैसे कि सबके जो पेट्स हैं गाय भैंस जो भी हैं, उनको सिखाने के लिए यानी कि मनुष्यों के अधिगम के लिए और जानवरों के अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब क्या होता है, सिखाना होता है ना, तो उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, प्रयास और भूल का विशेष महत्व है। प्रयास प्रैक्टिस और भूल, भूलना, त्रुटि, बार बार एरर करना, उसका बड़ा एक अहम रोल है। थॉर्नडाइक बहुत से प्रयोग जानवरों, थॉर्नडाइक ने बहुत सारे प्रयोग जानवरों पर किए और इस सिद्धांत को साबित करते हुए कहा कि इस सिद्धांत को संयोजनवाद ए और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि थॉर्नडाइक साहब के प्रयास एवं भूल और त्रुटि के सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपन का सिद्धांत भी, अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आपको प्रश्न बनता है,
डीलर्ड में भी बनता है, टेट में भी बनता है कि संयोजनवाद और उद्दीपन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो एक के साथ तीन थी, जैसे आपके एक बाहर के नाम है, एक स्कूल के नाम है, वैसे इनके भी थेसिस के एक फेमस नाम है, एक गुप्त नाम है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा कि कौन सा पूछ लेगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर, थोड़ी सी बात समझ में आई थॉर्नडाइक साहब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम में बहुत से अलग अलग क्रियाओं से संबंध स्थापित किए जाते हैं। अधिगम में जब आप सिखाते हो तो बहुत अलग अलग तिगड़म लगाते हो, हर चीज़ को सिखाने का अलग अलग एक्टिविटीज़ से रिलेशन रहता है, संबंध रहता है उस चीज़ को सिखाने का। संबंध स्थापना का कार्य हमारा दिमाग का, जो ये एक संबंध स्टैब्लिश करना रहता है कि हम ये उदाहरण देंगे और ये बात समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत बताया, अब सोचिए आप कि अधिगम स्थानांतरण क्या है, कि आप कोई चीज़ सीखे रहो, आगे 10+10 आप 10th में आप क्लास 2 में सीखे और आगे चल के उसको और बड़ा जोड़ रहे हो, तो वो अधिगम का स्थानांतरण हो गया एक प्रकार से, कि हमने वो चीज़ सीखी और हम अब पहले दो डिजिट का हमने जोड़ सीखा, अब हम 5 डिजिट 6 डिजिट का कर रहे हैं। तो लेकिन उसका एग्जाम्पल मैंने आपको साइकिल से दिया, ठीक है, कि हम पहले वो 3 पहिए वाली साइकिल चलाते हैं जिसमें वो लगा रहता है और बड़े होते हैं, तो हमको वो 2 पहिए वाली आती है, बीच में पीछे एकदम उसमें 2 ठू और रहता है, फिर उसको खुद ही कुछ हम सब चलाना सीख जाते हैं तो उसको हम तोड़ देते हैं, और तोड़ देने के बाद फिर हम वैसे बिना उसके साइकिल लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऐसे धीरे धीरे सीख जाते हैं, फिर हम बाइक चलाते हैं, बाइक से फिर हम और जो कुछ चलाते हैं, ठीक है, फिर हम कार तक भी ट्राई करते हैं, एरोप्लेन दूसरी चीज़ है। तो वो सोचिए मैंने वो एग्जाम्पल आपको वहाँ पर फिट करके दिया, तो आपको मुझे तो याद है काफ़ी समय पहले किया, आपको भी वही चीज़ बताई जिससे खुद को भी इजी लगे, खुद को भी आसान लगे और आपको भी बताया। तो मैंने क्या किया कि अपने उसको समझाने के लिए वो साइकिल वाले एग्जांपल को दिया, क्योंकि साइकिल वाला एग्जांपल जो डेली लाइफ में आपने देखा वो आपको याद रहेगा। तो ऐसे जितने भी ये क्रियाएँ हुए सिखाने के जो सिद्धांत बने हैं, इनका जो संबंध किसी और चीज़ों की क्रियाओं से जोड़कर आपको सिखाने का प्रयास किया गया, वो सारे दिमाग का फितूर है, वो दिमाग में सोचा जाता है तब ताकि संबंध बना रहे और आप उस चीज़ को सीख पाएँ। जैसे जैसे कोशिश हमारी बढ़ती वैसे वैसे से गलतियाँ कम होती हैं। अगर हम किसी चीज़ में लगे हुए हैं, जैसे मैंने कि आपको बोला कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर आप दे लीजिए, प्रैक्टिकल दे लीजिए, एक बार अपना रिजल्ट अपने हाथों में देख लीजिए क्या है, कैसे है, एग्ज़ाम कैसे होता है, कॉपी कैसे लिखती है, नंबरिंग क्या होती है, तमाम चीज़ें वो, क्योंकि अप एंड डाउन हर जगह लगा रहता है, तो कुछ अच्छा होगा कुछ खराब होगा, किसी का अच्छा किसी का बुरा होगा, ठीक है, फिलहाल ना हो भगवान से जाती हूँ कि सबका अच्छा हो, बट ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो हम एक सेमेस्टर दे देंगे, 2 में और इम्प्रूव करेंगे, एक बच्चा है वो 90, अब की बार वो 90 नंबर, मतलब सपोज करो 87 नंबर लेके आया, अगले में वो 89 लेके आएगा, उसके बाद वो 90 लेके आएगा, 90 के बाद 95 तक पहुंच जाएगा, तो 95 तक हाईएस्ट नंबर, 93 तक हाईएस्ट परसेंट बनते हैं डीलिट में। तो उससे क्या होगा कि वो ग्रोथ कर रहा है। तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे हम कार्य को करते जाते हैं हमारी गलतियाँ कम होती जाती हैं, इसी प्रकार से हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं और गलतियों से ही हम हमेशा सीखते हैं। अच्छा ये गलती हो गई, जैसे हम कुछ बनाते हैं खाने में तो ये थोड़ा हमारा कभी खाना या कुछ बना रहे हैं कड़ा हो गया, कभी नरम नरम हो गया, कभी ठंडा हो गया, कभी मीठा हो गया, हमने कुछ ज़्यादा तो कलर चेंज हो गया, खट्टा हो गया, तो उससे हमने एक एनालिसिस किया ना कि थोड़ा नहीं ऐसा नहीं ये नहीं, अच्छा ये गलती हो गई थी, सोडा डाल दिया था, कुछ डाल दिया था। तो गलतियाँ करते हो तो सीखते हो ना, तो वो चीज़ है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई जीव नई परिस्थिति में रखा जाता है तो बिना सोचे समझे कई तरह का प्रयास करता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब आप किसी को कोई चीज़ सिखाने के लिए लाते हो तो वो बच्चा है सीख रहा है कर रहा है, तो अपने हाथ पैर दिमाग सारी चीज़ का दिमाग दौड़ाता है, हर तरीके से प्रयास करता है सीखने का वो वहाँ पर। यहाँ तक आप सिंपल सिंपल बातों को समझ पाए, आई होप आप समझ पाएंगे। चलिए फटाफट लाइक कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, डू इट फास्ट। अभी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी ना, आप मज़े में देखोगे क्या सिद्धांत है। चलिए, जीव या प्राणी अलग अलग ही कोशिश और भूल के माध्यम से ठीक ठीक करना, चाहे वो जीव हो या प्राणी हो कोई भी हो, वो बार बार जब उस चीज़ को करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं तो वो सीख जाते हैं। समस्या के समाधान की प्राप्ति के बाद प्राणी को जो संतुष्टि मिलती है, मतलब आपने बार बार प्रैक्टिस की और फिर उसके बाद जब फाइनली एटलीस्ट कर ले गए, तो इसी कारण से अभी प्रेरणा प्राप्त होती है, उस समय हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम उसी क्रिया को फिर दोहराते हैं, दोबारा से करते हैं, तथा असफल विधि को थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के सीखने के रूप में परिभाषित किया है कि ये असफल विधि जो हमको रहती है बाद में सफलता की ओर ले जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई ना, आपके सामने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि ये अधिगम के सीखने का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक साहब ने बताया है कि प्रयास और त्रुटि क्या है। प्रयास का मतलब होता है बार बार प्रयास करना, त्रुटि का मतलब होता है बार बार गलती करना। तो जब हम बार बार प्रयास करेंगे तो बार बार थोड़ी थोड़ी जो गलतियाँ हैं वो हमारी कम होती जाएंगी, चाहे वो किसी भी फील्ड का कार्य हो हम कर ले जाते हैं। हमेशा होता है हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, गलती
जल्दी कर रहे हैं। एक बार में साइकिल थोड़ी सीख गए थे, जो बड़ी वाली साइकिल होती है लोग पहले कैंची सीखते हैं ना, याद आ रहा है? उसको कैंची सीखते हैं, एक एक पैर से करते हैं, फिर जाके धीरे धीरे चढ़ाने के चढ़ने का प्रयास करते हैं, गिरते भी हैं सीखते हो, तो ऐसे नहीं सीख जाते हो। तो बार बार आप प्रयास करते हो, बार बार गिरते हो, लेकिन अंततः सीख जाते हो आप। ठीक है, समय तो मेरी बात से समझ में आ रही है बातें यहाँ तक आसान से। अच्छा चलो आ जाओ, अब आगे पूरी बात बताते हैं। पहले मैं आपको थॉर्नडाइक साहब से मिलवा देती हूँ, अभी तो सिर्फ नाम ही बता रही। ये है थॉर्नडाइक साहब, देखिए दिख रहा है, ये हैं। फिलहाल चित्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया कि थोड़ा एक इंट्रैक्शन बना रहे, आप लोग भी इनसे मिल लें। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक साहब हैं ये, बढ़िया देख लीजिए। तो कोशिश है कि आपको मतलब रहे, आप ध्यान में रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, थॉर्नडाइक साहब का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था, उसके बारे में पूरी बातें मैंने आपको समझाई। अब मैं आपको उनके प्रयोग बता दूंगी, तो आप उनकी बात से सहमत हो जाओगे कि हाँ अच्छा ऐसा है। चलो कैसे, वो देखो, थॉर्नडाइक के जो प्रयोग हैं उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जानवर और मनुष्य की बात को बोला, इन्होंने बिल्ली पर। तो आपको ये प्रश्न बनता है कि थॉर्नडाइक साहब ने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो वहाँ पर आपको कैट का ऑप्शन मिलेगा, डॉग का ऑप्शन मिलेगा, कबूतर का ऑप्शन मिलेगा, चूहे का ऑप्शन, क्योंकि कबूतर पे, डॉग पे, इन सब पे प्रयोग हुआ है। तो थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर किया था, तो ध्यान रखिएगा कि ये पूछता है कि थॉर्नडाइक साहब ने किस जानवर का प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर, या तो बिल्ली ने किसका मतलब बिल्ली पर किस जो है थॉर्नडाइक किस साहब ने प्रयोग किया था, तो उसमें आपको थॉर्नडाइक का नाम बताना होगा। तो बिल्ली का इनसे संबंध जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बिल्ली थॉर्नडाइक साहब की है, बस ऐसे याद कर लो, बिल्ली थॉर्नडाइक साहब की है ऐसे याद करना। ठीक है, पावलो साहब का कुत्ता है, स्किनर साहब का चूहा और कबूतर है, ऐसे आप याद कर लोगे तो भूल जाओ, भूलोगे ही नहीं, बोल दो कि बिल्ली थॉर्नडाइक साहब की पेट है, इससे आपको ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। अब देखो क्या है, देखो ध्यान से, इन्होंने कहा कि इन्होंने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया, बिल्ली तो है लेकिन वो भूखी है। ठीक है, क्या है, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, और बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने पर पिंजरे में बंद कर दिया, और चाहते थे कि बिल्ली जो भूखी है वो थोड़े और समय तक हंगरी हो जाए, इसके लिए उन्होंने उस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। जिस पिंजरे में उन्होंने बिल्ली को बंद किया उसको कहते हैं पजल बॉक्स, ये ध्यान रखना है, पजल बॉक्स, क्या कहते हैं, पजल बॉक्स। फिर से बोल रही हूँ, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, वो भी बिल्ली भूखी थी, बिल्ली की भूख को और बढ़ाने के लिए, और भूखी हो जाए इसके लिए उसको पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे में, केव में, और जो पिंजरे में बेन केज में जो बंद किया उसको कहते हैं पजल बॉक्स। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में मछली का टुकड़ा रख दिया। अब इन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगा के पिंजरा जो था वो दिखने वाला था, वैसे भी डंडी डंडी रूम बना था, मतलब जाल जैसा था, दिख रहा था, उन्होंने मछली तो भूखी, ऊपर से उसके सामने मछली का टुकड़ा रख दिया, पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा। अब मछली का टुकड़ा रखा है, बिल्ली भूखी है, आपके सामने पिज्जा रखा है और आप भूखे हो, लेकिन मना किया गया नहीं खाना है, तो कितनी देर बर्दाश्त करोगे, कितनी देर बर्दाश्त करोगे, यही बता दो हमको। भूख लगी, एकदम भूख लगी है, एक सिंगल पीस है किसी और के लिए रखा है, कैसे क्या करोगे बताओ, खा लोगे, डांट खाओगे? हम लोग तो मान लीजिए एक बार दो बार कंट्रोल करेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करें क्या करें क्या करें, अगर काम बन गया तो गपा गप पेट के अंदर, क्यों होता है कि नहीं। तो वही बात है कि अरे भैया, जब बिल्ली भूखी है तुम उसके सामने ले जाकर मछली का टुकड़ा रख दिए, उसका क्या होगा, छटपटा कर पागल हो जाएगी वो। तो यही काम इन्होंने किया कि भूखी तो भूखी थी, उसको और भूखा किया, उसके बाद उसके सामने मछली का टुकड़ा रख दिया और उसको उस पिंजरे में बंद कर दिया। अब वो उसको खा नहीं पा रही, तो उसको खाने के लिए उतना वो प्रयास करती है, उसको करने के लिए वो बार बार इतना प्रयास करती है, तो जो उसका वो उस चीज़ को पाने के लिए बार बार अथक प्रयास था, उसी को इन्होंने कह दिया प्रयास। ठीक है, समझ रहे हैं? अभी मैंने एक ही शब्द बताया कि प्रयास और त्रुटि क्या है, सिर्फ प्रयास बताए, त्रुटि तो अभी बताना बाकी है। अब आगे देखो तब पूरी बात समझ में आएगी। पिंजरे के अंदर एक लीवर, लीवर का मतलब एक खटका होता है, जो लीवर लगा हुआ था पिंजरे के अंदर ही था, जिसके दबने से पिंजरा खुल जाता है। अगर वो बिल्ली उस पिंजरे को दबा देती है तो पिंजरा खट से खुल जाएगा, बाहर आएगी बिल्ली और मछली के टुकड़े को खा लेगी। लेकिन क्या होता है आगे देखो, भूखी बिल्ली ने भोजन प्राप्त करने तथा पिंजरे से निकलने के लिए त्रुटिपूर्ण कार्य किए, निकलने के लिए बार बार गलतियाँ की, गलती वाले कार्य किए। बिल्ली के लिए भोजन जो था वो दीपक था, वो दीपक पता है क्या होता है, जिसको देखकर हमारे मन में ना उसको पाने की व्याकुलता जागृत होता है, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कोई डेस्टिनेशन हो, चाहे वो कोई गोल हो, चाहे वो खाने का कोई सामान हो, चाहे वो पैसे हो, कुछ भी हो, हमें जैसे कोई चीज़ की ज़रूरत रहती है तो हमें थोड़े थोड़े देखो लालच देना तो बुरी बात है पहली बात तो, लेकिन यह है कि थोड़ी सी जो है वो चीज़ होती है कि नहीं जैसा ये चीज़ हो जाएगी तो हम
ये चीज़ हमें मिल जाएगी, हम अक्सर डिमांड रख लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है बहुत जगह, लेकिन फिलहाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे फिर क्या होता है, बच्चे जिद करने लगते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कभी ना कभी जो कोई चीज़ दिखती रहती है, सामने रखी है और कहा जाता है कि अच्छा ये चीज़ पाओगे, तो क्या होता है कि ये उद्दीपक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि वो जो भोजन है, वो जो मछली का टुकड़ा है, वो बिल्ली के लिए उद्दीपक है। उद्दीपक को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस, क्या कहते हैं, स्टिमुलेंट या स्टिमुलस, कहिए दोनों एक ही है इंग्लिश में, हिंदी में उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक का कार्य कर रहा है मछली का टुकड़ा, उद्दीपक के कारण बिल्ली अनुक्रिया करती है, और बिल्ली जो बार बार प्रयास कर रही है ना, वो अनुक्रिया कर रही है, काम कर रही है। बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न, बिल्ली ने उस टुकड़े को पाने के लिए हजारों बार मतलब मेहनत पे मेहनत की, बहुत बार उसने अनुक्रिया की, बहुत बार उसने रिएक्शन किया, पूरा तरह अपना पूरा जोर लगा दिया उसको पाने के लिए। एक बार सहसा ऐसा हो गया कि पंजा जो बिल्ली का था, जो पैर का पंजा होता है या हाथ का जो भी रहा, उस लीवर पे वो पड़ गया और दरवाज़ा खुल जा सिम सिम खुल गया। समझ पाए आप क्या हुआ, दरवाज़ा एक बार उस पर उसका पिंजरे पे लीवर पे हाथ पड़ा या जो पंजा पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। भूखी बिल्ली ने पिंजरे से निकल कर मछली को खाकर अपनी भूख को शांत किया, जब उसको भूख लगी तो शांत हुई। और थंडाइक ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया, फिर थंडाइक ने एक बार नहीं, चार पाँच बार बंद किया, कई बार फिर बिल्ली को बंद किया, फिर बिल्ली को बंद किया, फिर बिल्ली को बंद किया, और देखा कि बिल्ली को पहले से कुछ कम समय लगा। सबसे पहले अगर मान लो बिल्ली ने निकलने के लिए 500 बार प्रयास किया होगा, तो दूसरी बार जब बंद किया बिल्ली ने, थॉर्नडाइक ने पिंजरे में बिल्ली को, तो उसने 450 बार प्रयास किया। फिर तीसरी बार किया तो उसने 400 बार किया। फिर उसके बाद ऐसे करते करते वो एकदम कम हो गया, एकदम उसका प्रयास जो बिल्ली का था उस टुकड़े को जाने के लिए, वो समझ गई कि मैं इसको खटका को दबाऊंगी, लीवर को, खट से गेट खुलेगा, मैं खट से उसको खा लूंगी। तो क्या हुआ कि बिल्ली को पहले से कुछ कम समय लगा, और बिल्ली बिना समय लगाए त्रुटि के एक ही प्रयास में पिंजरे को दरवाज़ा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया कि ये अनुक्रिया बिल्ली कर रही है, उद्दीपक मछली का टुकड़ा रखा हुआ है। ये है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक साहब ने दिया, इसी को कहते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, मैं बिल्ली दिखा दूँ, ये देखिए, ये है बिल्ली, ये है लीवर का खटका, ये सब लगा हुआ है दरवाज़ा, ये वही खटका है, ये बांस का टुकड़ा है, कैसे निकल कर उसको खाना है, देखो ये जाल यहाँ से दिख रही है, वो की बिल्ली है, अब यहाँ से निकलेगी, खट्टे से खाई, फिर उसने बंद किया, फिर खाई, फिर उसे बंद किया, फिर खाई, फिर उसने बंद किया, फिर खाई। तो पहले राउंड में उसने 400 बार किया, दूसरे राउंड में उसने जो है 350 बार प्रयास किया, फिर उसके बाद जो है 200 बार किया, उसके बाद फिर उसने 100 बार किया, फिर उसके बाद 50 बार, फिर उसके एक बार में उसने गई, जैसे अंदर गई, जैसे थॉर्नडाइक ने उसको अंदर डाला, मछली का टुकड़ा यहाँ रखा, इसको पता चल गया था कि मैं यही नीला वाला खटका दबाऊंगी, मेरा गेट खुल जाएगा और मैं यहाँ से जाऊँगी, उसको गप गप खा लूँगी। तो यही कार्य जब थॉर्नडाइक ने बार बार किया, तो बिल्ली ने बार बार जो कार्य किया वो प्रयास किया, बिल्ली ने क्या किया, बार बार प्रयास किया, तो गलत त्रुटि हो रही थी। त्रुटि क्या थी कि पहली बार जब वो प्रयास की तो 400 बार प्रयास की, दूसरी बार जब प्रयास की तो वो 200-300 बार प्रयास की, तो 100 बार कम हो गया ना, तो त्रुटि से ही तो सीखी, बार बार प्रयास कर रही थी, कर रही थी, उसी उछल कूद मचाई हुई थी, मचाते मचाते एक बार उसको दब गया, फिर उसको पता तो नहीं चला क्योंकि अचानक गेट खुल गया। ठीक है, उसको पता ही नहीं चला कि मैंने इस पर हाथ रखा और दब गया, लेकिन फिर जब दोबारा फिर की तो फिर उस पर हाथ एक बार गलती से पड़ गया, फिर को बाद में फिर उसको समझ में आ गया कि मैं यही नीला वाला खटका दबाऊंगी तो हमारा गेट खुल जाएगा और हम जाके खा लेंगे। इसी को थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा है। क्यों फ्रेंड, समझ में आया कि सिद्धांत क्या था, कहाँ से कहाँ लिंक जोड़ा गया, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगा, बिल्ली का सिद्धांत समझ में आया कि थॉर्नडाइक के बिल्ली के सिद्धांत का गेम क्या है, कभी भूल नहीं सकता, बहुत क्लियर तरीके से बताया, थॉर्नडाइक से भी मिलवाया, उनके सिद्धांत को बिल्ली को भी ले आया, हर तरीके से मैंने प्रयास किया कि सारे बच्चों को यहाँ पर क्लियर कर दो, ये कोई भूल ही नहीं सकता, भूलने नहीं दूंगी फ्रेंड्स, लेकिन रिवीजन ज़रूर करना। ठीक है, अब इसके बाद के जो सिद्धांत है वो दूसरे सिद्धांत है जो मैं कि कल बताऊंगी, एक दिन में एक बताऊंगी, ताकि एक स्टोरी से बढ़िया मस्त रहो, सीखो। तो बिल्ली का सिद्धांत समझ में आया, बिल्ली उल्ली नहीं बनानी जाएगी किसी भी पेपर में, बहुत टफ है, कौन बनाएगा, लेकिन प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। तो मैंने आपको पूरा बताया कि इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, क्या किया था, थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल का सिद्धांत जो कहा है वो क्यों कहा है, किसके कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, आपने सीखा, नया सिद्धांत सीखा, जाना समझा, कोई प्रॉब्लम होती तो पूछिएगा, बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जिन बच्चों को नोट्स वगैरह लेनी है टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, अभी भी नोट्स लीजिए, पढ़िए, अच्छा नंबर ले आइए, बेस्ट से बेस्ट, बाय बाय।